नमस्कार, मैं रोहित महाजन 25 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल जी, कैप्टन बाना सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कैप्टन बाना सिंह ने जो है कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए उनको राजदूत नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो बिल्कुल जी, मिथुन नामक पशु को जो है खाद्य पशु का टैग मिला है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये पशु पाया जाता है, ये लाइक गाय की तरह होता है, इसका नाम है मिथुन, जिसको जो है खाद्य पशु का टैग मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो बिल्कुल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। तो बात करें स्टेट बैंक की, 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और करंट टाइम इसके जो है अभी चेयरमैन है दिनेश कुमार जी। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो का लिंक सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी स्टडी करने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको भी एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिल पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो बिल्कुल जी, सिंगापुर इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बात करें सिंगापुर की, सिंगापुरी सिटी जो है इसकी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ली शेंग लोंग प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के। और प्रेसिडेंट की बात करें, थर्मन सनमुंगलरम जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है सिंगापुर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल जी, वाराणसी में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो है शिलान्यास किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है? तो बिल्कुल जी, अफगानिस्तान को जो है ये घोषणा की गई है। तो बात करें अफगानिस्तान की, आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चलता है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 यानी कि 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है स्थापना की गई और हेडक्वार्टर है मनीला में और करंट टाइम पे बैंक के प्रेजिडेंट हैं मस्त सुगु असाकवा यहाँ के करंट टाइम जो है प्रेजिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? तो बिल्कुल जी, श्रीलंका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो है कैपिटल है कोलंबो। देखो, श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो जो कमर्शियल कैपिटल है और एक है श्री जयवर्धने पुरम कोटे, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो श्रीलंका की जो है करेंसी है रुपया, श्रीलंकन रुपया। तो यहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंघे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया? तो बिल्कुल जी, गुजरात इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ के CM भूपेंद्र भाई पटेल ने जो है विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो कमेंट करके बताइए गुजरात की जो है कैपिटल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? तो बिल्कुल जी, हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। तो बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ के जो है वाइस चीफ मिनिस्टर हैं उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और यहाँ के जो हैं गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी।
और हिमाचल का जो है स्टेट वर्ड क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपोन, और हिमाचल का जो है स्टेट एनिमल क्या है, स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश का जो है स्टेट ट्री है देवदार, स्टेट फ्रूट है एप्पल, स्टेट गेम है वॉलीबॉल, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल ऑलरेडी बता दी है आपको शिमला, और टोटल पॉपुलेशन है 68,64,602 और एरिया है टोटल 55,673। तो बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, 4, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का 4th महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल जी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नई दिल्ली में जो है ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है, तो बिल्कुल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ को जो है पार्टनर जो है चुना गया है। तो बात करें BCCI की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और करंट टाइम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनी, और यहाँ के BCCI की जो है सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके बेटे हैं जय शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया, तो बिल्कुल जी 10 गुना जो है बढ़ा दिया है। तो पहले जो है इसकी संख्या कम थी, अब रेलवे बोर्ड ने जो है जो भी रेलवे में दुर्घटनाएँ होती हैं उनकी मुआवजा राशि को जो है 10 गुना बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात कॉनिक्स 2023 का उद्घाटन किया, तो बिल्कुल जी भूपेंद्र पटेल ने जो है उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है, तो बिल्कुल जी नई दिल्ली में ये जो है आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कहाँ और कब मनाया गया, तो बिल्कुल जी 24 सितंबर को ये जो है मनाया गया है। तो अभी तक जितने भी डेज हुए हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस जो है मनाया गया है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और नेशनल इंजीनियरिंग डे मनाया गया, 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे मनाया गया और 17 सितंबर को विश्व होगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि बोम्बो डे मनाया गया और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। तो आई होप आपको आज की करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो सभी जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी वीडियो को लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।